देवास जिले के खातेगांव ब्लॉक में 30,000 क्विंटल सोयाबीन आया बिकने, अपने आप में यह एक रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि उज्जैन संभाग में संभावित अधिक आवक खातेगांव मंडी में हुई है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। देवास जिले के खातेगांव में सोमवार को नीलामी में बेचने के लिए किसान शुक्रवार को ही अपनी उपज लेकर आना शुरू हो गए थे। रविवार शाम तक यह आंकड़ा लगभग 1400 ट्रालियों तक पहुँच गया था। ट्रालियों के अलावा किसान छोटे व्यावसायिक वाहनों और बैलगाड़ी से भी अपनी उपज लेकर आ रहे थे। अधिक मात्रा में आवक देख मंडी प्रशासन ने रविवार रात से नई आवक के लिए प्रवेश बंद कर दिया था। फिर भी कुछ किसान अपने उपज लेकर आ गए। सोमवार देर शाम तक चली नीलामी प्रक्रिया के बाद लगभग 900 ट्रॉली उपज का विक्रय हो गया था। शेष ट्रॉली बिकने से वंचित रह गई थी। पिछले हफ्ते के मुकाबले भाव कम नहीं हुए हैं, बराबर ही चल रहे हैं। सर, कोई टोल कांटे वगैरह व्यवस्था मंडी की ओर से था कोई स्मार्ट? टोल कांटे में जो हमारे खेरची विक्रय होता है उसमें छोटे कांटों से तौल किया जाता है, जिसमें बीच बीच में अनियमितता की शिकायतें काफ़ी आती रही थी, तो उसके लिए हमने एक अक्टूबर से हमने अपना मंडी का एक तौल कांटा स्थापित किया है 15 क्विंटल क्षमता का, जो किसानों के लिए निशुल्क है। और उस स्टैंडर्ड टोल कांटे पर हमारे किसान भाई अपना कृषि उपज जो लाए हैं खेरची में विक्रय हेतु, वो तौल लेते हैं और उसकी उपज की पर्ची उनको दी, उसके तौल की पर्ची उनको दी जाती है। तो जब वो व्यापारी के यहाँ तौल होता है उसका, तो उससे वो मिलान कर लेते हैं और यदि कभी कोई अंतर आता है तो शिकायत करते हैं। पर जब से ये कांटा लगाया है तब से किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई।